मतलब सर दूसरे मीडियम, मतलब दूसरे मीडियम जो ऑब्जेक्ट होगा उसका वेलोसिटी ना। हाँ बेटा, यस ओके सर। करेक्ट। सर हाँ जी, सर वो जो स्फेरिकल सर्फेसेस में रिफ्रैक्शन होता है उसमें सेम साइड पे जब इमेज लाइक फॉर्म होती हाँ है एज द ऑब्जेक्ट, मैंने वो आपको एक डायग्राम भेजा था ना, वो राइट है? हाँ मैं एक आपको मिनट। पिन भेजू पिन करके? हाँ हाँ भेजो, पिन करके भेजो। यस या ओके। हाँ बेटा, सेम साइड में बन सकता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है ना। देखो नहीं उसका सर वो मतलब क्या है। ठीक है नहीं वो नहीं वाला, उस लेकिन हाँ 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 बिल्कुल ठीक है वो। अरे उसका अच्छा मीनिंग ये होता है बेटा कि देखो आप ये समझ लो कि जैसे कि ये सरफेस है और यहाँ पर लेट से ऑब्जेक्ट रखा है, ठीक है, तो लाइट रे इस तरह से जाती है और इस तरह से कुछ लेट से, हाँ अब लाइट रे यहाँ से क्या हो जाएगी, थोड़ी सी ऐसे बेंड हो जाएगी, राइट। और मान लिया कि जो ऑब्जर्वर है ना बेटा, वो ऑब्जर्वर इस तरफ है, तो बेटा ऑब्जर्वर इस तरफ है, तो ऑब्जर्वर को कहाँ दिखाई देगा इमेज बेटा, वो जहां पर ऑब्जेक्ट है। तो ये रे है वो रिफ्रैक्टेड रे है। यदि रिफ्रैक्टेड रे को यदि आप आगे एक्सटेंड करोगे तो बेटा उसको यहाँ पर उसका इमेज दिखाई देगा, ठीक है ना। तो यस मतलब जिस तरफ ऑब्जेक्ट है इमेज उसी तरफ दिखाई देगा, उसमें तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। तो ये वी हो जाएगा, ये यू हो जाएगा, बाकी सारा हम लोग जानते ही हैं। सेकेंड मीडियम, ये फर्स्ट मीडियम, ठीक है, यस यस आई बस समझ यस सर अंडरस्टूड। बेटा जी, समझ पाए। तो यस सर आई अंडरस्टूड। जिस यस सर तरफ ऑब्जेक्ट है ऑब्वियसली इमेज उसी तरफ ही दिखाई देगा ना, या लेकिन थोड़ा सा आगे की तरफ शिफ्टेड दिखाई देगा, दैट्स ऑल। यस हाँ, एक्सरसाइज डाउट्स। हाँ चलो ठीक है बेटा, मेरे पास रे ऑप्टिक्स का मॉड्यूल नहीं है, क्या आप भेज सकते हो? मेन किसी के पास यदि मेन की मेन वाले मॉड्यूल की पीडीएफ है तो वो मुझे भेज सकते हैं। सर, हाँ बेटा बोलो। रिफ्रैक्शन थ्रू थिन लेंसेज में है सर, कॉनकेव लेंस में अपन का में लाइट रेज कॉन्वर्ज होता है, कॉन्वेक्स में तो कॉनकेव कॉन्वेक्स कॉन्वेक्स में में कन्वर्ज होता है, यस कॉन्वेक्स में कन्वर्ज होता है एंड कॉनकेव में फर्स्ट डाइवर्ज होता है। सर कॉन्वेक्स लेंस में तो फर्स्ट सरफेस में हाँ मतलब डाइवर्ज होगा, सेकंड लेंस में कॉन्वर्ज होगा ना रिफ्रैक्ट होगा तो? बेटा, इन दोनों का हम लोग ओवरऑल बोलेंगे, ठीक है ना। हम लोग क्या करेंगे, इन दोनों का ओवरऑल इफेक्ट बोलेंगे। यदि बाई कॉनकेव है ना बेटा, तो दोनों का काम डाइवर्स करना ही है, ठीक है। हाँ बट ऑब्वियसली ये सरफेस इस तरह से है तो, बट बेटा इसका ओवरऑल इफेक्ट काउंट किया जाता है, ठीक है ना। आ रही बात यस समझ में? अगर अगर सिंगल सिंगल अगर या अपन को दिखाना होगा तो मतलब कैसे करेंगे तो वो पूछ रहा हूँ बेटा तो वो फिर कॉन्वेक्स। अंदर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, नहीं सिंगल सिंगल का कभी भी नहीं दिखाना पड़ेगा थिन लेंस में, ठीक है, कभी भी नहीं दिखाना पड़ेगा आपको। रिफ्रैक्ट देखो, यदि इसको ही मैं थिक कर दूं, इस तरह से कर दूं, तो आपको समझ में आ जाएगा कि क्या हो रहा है, ठीक है। अब वो जो भी डिपेंड करेगा इसके रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पर डिपेंड करेगा। तो आप क्या करोगे, पहले आप जो आपके पास फॉर्मूला है ना, एन टू अपॉन वी माइनस एन वन अपॉन यू इज इक्वल टू एन टू माइनस एन वन अपॉन आर, तो बेटा ये फॉर्मूला जब अप्लाई करोगे तो यहाँ पर आर को कैसा रखोगे, यहाँ पर आर को आप नेगेटिव रखोगे, तो इससे आपको पता चल जाएगा कि वो कन्वर्ज हो रही है या डाइवर्ज हो रही है ना। वो बेटा मीडियम और ये जो लेंस है, इन दोनों के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पर भी डिपेंड करेगा, ठीक है। आई बात समझ, यस सर तो मतलब क्लियर ऐसा हो? कंपलसरी नहीं कि आप फर्स्ट मीडियम में कॉन्वर्ज होगा सेकंड मीडियम में या नहीं सेकंड ऐसा कुछ से ऐसा कंपलसरी होगा? नहीं है बेटा, ठीक है ना। या यस बेटा, ये डाइवर्ज करेगा, ओवरऑल डाइवर्ज ही करेगा ये, ठीक है, तो अपन को खाली ओवरऑल क्लियर। जानने का है ना, वो सिंगल बस पर्टिकुलर सर्फेस ओवरऑल जानने जानने का। का है। ओके सर। हाँ ठीक है, सर वो रिफ्रैक्शन थ्रू स्लैब पे यस यू कैन बेटा डू दैट पूछो। सर, रिफ्रैक्शन थ्रू ग्लास स्लैब के पार्ट पे यू कैन गो? हाँ ठीक है, रिफ्रैक्शन थ्रू अ ग्लास स्लैब की बात करें बेटा, तो सबसे पहले ये ग्लास स्लैब है, ठीक है, इसकी थिकनेस है टी, कितनी है टी थिकनेस है इसकी। तो मैं बोल देता हूँ कि यहाँ पर कोई ऑब्जेक्ट है, तो ऑब्जेक्ट से रेज जो भी आएंगी तो वो अब क्या होगी, लेट्स से ये एक रे इस तरह से जा रही है, ओके, अब क्या हो जाएगा यहाँ पर, यहाँ पर इसका इस पैरेलल स्लैब से, राइट, पैरेलल स्लैब इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि इसकी दोनों सर्फेसेस कैसी हैं,
पैरेलल है, तो यहाँ पर क्या होगा, टुवर्ड्स द नॉर्मल बेंड हो जाएगी, तो ये टुवर्ड्स द नॉर्मल बेंड हो गई, ठीक है। टुवर्ड्स द नॉर्मल बेंड होने के बाद बाहर निकलेगी तो ये अवे फ्रॉम नॉर्मल बेंड होगी। या देखें यहाँ पर दिख रहा है आपको बहुत ही स्लाइडली बेंड हुआ है, ठीक है, बहुत ही स्लाइडली यहाँ पर क्या हुआ है, ये बेंड हुआ है ऐसे। तो आप देख सकते हैं कि जितना ये एंगल थीटा होगा उतना ही ये वाला एंगल भी थीटा होगा, ठीक है, बस यहाँ बीच में थोड़ा सा डिफरेंट होगा। ओके रे, और ये है रिफ्रैक्टेड रे। बेटा इंसिडेंट रे एंड रिफ्रैक्टेड रे क्या होती है, पैरेलल होती है, मीन्स वो सेम लाइन के अलोंग होती, सेम लाइक वी कैन से डायरेक्शन में होती है, लेकिन लाइन अलग अलग है उनकी, यानी कि वो एक दूसरे के पैरेलल है। यदि इसके अलोंग यदि आप आई रखते हैं तो आपको यहाँ समझ में आता है कि यहाँ पर इमेज बन रहा है, ठीक है। ऑब्जेक्ट तो यहाँ पर है लेकिन उसका इमेज यहाँ पर दिखाई देता है, ठीक है। तो एक स्लैब की वजह से क्या होता है, कोई भी ऑब्जेक्ट जो है वो पीछे रखा है वो पास में दिखाई देता है, यानी कि यहाँ पर एक अपेरेंट शिफ्ट दिखाई देता है, ठीक है। और इस डेल्टा एक्स को कैसे फाइंड करते हैं बेटा, तो ये डेल्टा एक्स है अपेरेंट शिफ्ट, और इसको मैंने बताया था थिकनेस ऑफ स्लैब ये टी है, तो टी इंटू वन माइनस वन अपॉन म्यू, समझ आया, दिस इज द फॉर्मूला फॉर द, यस सर वो जो डेल्टा एक्स है दैट इज कॉल्ड लैटरल शिफ्ट, नहीं 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 ये है शिफ्ट इन इमेज, शिफ्ट इन इमेज, ठीक है। तो लैटरल शिफ्ट क्या होता है, पोजीशन में क्या शिफ्ट हुआ, अभी लैटरल शिफ्ट बाकी है ना, लैटरल शिफ्ट नहीं, मैंने आपको लैटरल शिफ्ट पढ़ा दिया क्या, हेलो लैटरल शिफ्ट का टॉपिक कवर नहीं हुआ है ना, या चलिए मैं लैटरल शिफ्ट आपको पढ़ा देता हूं, ठीक है। यदि आपने क्लास नोट में लैटरल शिफ्ट नहीं पढ़ा है तो वो अभी हम कर लेते हैं, चलो अभी ही कवर कर लेते हैं लैटरल शिफ्ट। लैटरल शिफ्ट क्या होता है, देखिए दोस्तों लैटरल शिफ्ट का मतलब ये है कि लेट से ये लाइट रे इस तरह से आ रही है, लेट मी ड्रॉ हियर और इसको डिफरेंट कलर में ड्रॉ करता हूँ, ये देखो ये लाइट रे आ रही है, ठीक है, और भी बेंड करता हूँ ज्यादा अच्छा रहेगा, ये लाइट रे आ गई, ठीक है, दिस इज इंसिडेंट लाइट रे। सर योर वॉइस इज ब्रेकिंग। अब यहाँ पर हम नॉर्मल ड्रॉ कर लेते हैं, तो ये देखो मैंने नॉर्मल सर योर वॉइस इज ब्रेकिंग लिया, योर वॉइस इज ब्रेकिंग अ लॉट, ओके नाउ इट विल नॉट ब्रेक, आई होप अभी आपको सही से सुनाई देगी, स्टिल ब्रेकिंग, नो नो, ओके चलिए दोस्तों, तो यहाँ पर मैं क्या करता हूँ एक और नॉर्मल ड्रॉ कर लेता हूँ, और बेटा जो ये लाइट रे आ रही थी यहाँ से क्या हो जाती है, इमर्ज हो जाती है, ठीक है, बाहर निकल जाती है। ओके बेटा देखो ये इंसिडेंट एंगल ऑफ इंसिडेंस हो गया, ठीक है, ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन आर हो गया, और बेटा ये दोनों नॉर्मल के पैरेलल है, तो बेटा ये वाला एंगल भी कितना हो गया, आर के बराबर हो गया, किसी को कोई प्रॉब्लम, बोलो। तो बेटा यदि ये आर के बराबर है तो इसका मतलब ये एंगल ऑफ इमर्जेंट भी आई के बराबर होगा, डू यू एग्री, यस और नो? सर ये आपने उससे किया ना जो रिवर्सिबिलिटी वाला होता है, तो बेटा ये था एंगल ऑफ इंसिडेंस आई और ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन आर, तो बेटा ये वाला भी क्या होगा, आर एंगल होगा, क्योंकि यहाँ पर जेड बन रहा है, राइट, और फिर क्योंकि ये इस स्लैब से बाहर निकल रही है रे, तो बेटा ये एंगल ऑफ इमर्जेंट एंगल ऑफ इंसिडेंस के बराबर होगा, क्योंकि ये आर है, तो यहाँ पर वापस क्या आना चाहिए, आई आना चाहिए, सिंपल, किसी को कोई प्रॉब्लम? सर वो मैं पूछ रहा अपने रिवर्सिबिलिटी कॉन्सेप्ट से बोल रहे हो ना, आई इक्वल्स, नहीं 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 रिवर्सिबिलिटी नहीं बेटा, देखो इसको ऐसे देख सकते हैं, वन साइन आई इज इक्वल्स टू एन साइन आर, ठीक है, ये फर्स्ट वाले रिफ्रैक्शन के लिए हो गया, अभी सेकंड वाले रिफ्रैक्शन के लिए आओ, तो n sin r is equals to 1 sin e, तो बेटा इन दोनों को यदि हम लोग दोनों इक्वेशन को हम लोग रिलेट करें तो हमें पता चलता है कि n sin r की जगह ये वैल्यू रख लूं तो इसका मतलब sin i is equal to sin r, सॉरी sin e, तो i का मतलब e हो गया है ना, मतलब i की वैल्यू e के बराबर हो गई, समझ आया? यस सर, हम लेकिन डायरेक्ट हम रिवर्सिबिलिटी से कर सकते हैं, हाँ कर सकते हैं, एक ही बात है, ओके ठीक है, तो ये आपको समझ में आ गया, अब आपको क्या करना है,
देखो मैं लैटरल शिफ्ट का कॉन्सेप्ट पढ़ा रहा हूँ, ठीक है ना बच्चों, लैटरल शिफ्ट पढ़ा रहा हूँ, पहले बोल रहा हूँ। सो अब मैं क्या करने वाला हूँ देखना, अब ना मैं इस लाइट रे को, जो अपनी लाइट रे थी इनिशियली इंसिडेंट, उसको मैं आगे की तरफ एक्सटेंड करता हूँ। बेटा मैंने कुछ भी नहीं किया, मैंने उसको सिंपली आगे की तरफ एक्सटेंड किया, और ये जो इंसिडेंट रे है और बाहर की तरफ जो आपको दिखाई दे रही है वो कौन सी है, इमर्जेंट रे, वो दोनों एक दूसरे के पैरेलल है ना, क्योंकि दोनों का एंगल सेम है। तो अब आपको क्या करना है कि वो है तो पैरेलल, लेकिन कितने एंगल से शिफ्ट हुई ये आपको फाइंड करना है। आपको क्या फाइंड करना है बेटा, कि कितने, सॉरी, कितनी डिस्टेंस से शिफ्ट हुई है ना। वो दोनों होनी तो एक ही लाइन के अलोंग थी, लेकिन वो सेम लाइन के अलोंग नहीं है, एक दूसरे से किसी डिस्टेंस पर है। तो ये वाली जो डिस्टेंस है बेटा, इसको फाइंड करने के लिए मैं यहाँ परपेंडिकुलर डाल लेता हूँ, और इसी परपेंडिकुलर डिस्टेंस को अपने को फाइंड करना है। तो मैंने बोल दिया इस परपेंडिकुलर डिस्टेंस को डेल्टा, ठीक है, क्या बोल दिया बेटा इसको, डेल्टा बोल दिया। बस इस डेल्टा की वैल्यू आपको फाइंड करनी है। आप चाहें तो डेल्टा एक्स भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है, आप चाहें तो डेल्टा एक्स भी इसको लिख सकते हैं। तो डेल्टा एक्स लिखो, चाहे सिर्फ डेल्टा लिखो या डेल्टा टी लिखो, कुछ भी चलेगा जो आपको सही लगे। आपको क्या पसंद आ रहा है बोलो दोस्तों, डेल्टा टी डेल्टा टी, चलिए इसको मैंने डेल्टा टी बोल लिया, ठीक है। तो लेटरल शिफ्ट को मैं डेल्टा टी से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। अच्छा बेटा, मैंने बोल दिया कि ये स्लैब की थिकनेस जो थी ये टी के बराबर थी, तो यहाँ से यहाँ तक ये थिकनेस टी हो गई। हाँ जी, अब मैं यहाँ पर नेमिंग कर देता हूँ ए, ये राइट एंगल बन रहा है, बी, इस पॉइंट को मैं बोल लेता हूँ सी, और बेटा ये जो पॉइंट है इसको मैं बोल लेता हूँ डी, चलेगा। आगे बढ़ते हैं, ठीक है, आगे बढ़ते हैं बेटा। ये मैंने क्या डाला था, परपेंडिकुलर। तो आपको इतने सारे ट्राइंगल दिखाई दे रहे हैं ना। हाँ जी बच्चों, तो अब मैं देखो सबसे पहले ट्राइंगल ले रहा हूं इन, आपको एक चीज तो पता ही है, आई इज इक्वल टू ई होता है, आई इज इक्वल टू ई होता है, हेंस हेंस हम क्या बोल सकते हैं, इंसिडेंट रे इज पैरेलल टू द इमर्जेंट रे, पैरेलल टू द इमर्जेंट रे, इमर्जेंट रे, समझ में आया। ये है इंसिडेंट रे शुरुआत वाली, और ये लास्ट वाली है इमर्जेंट रे, एक दोनों एक दूसरे के पैरेलल होगी। तो बेटा पैरेलल है तो इन दोनों के बीच में जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है वो कितनी है, उसी परपेंडिकुलर डिस्टेंस को हम बोलते हैं लैटरल शिफ्ट। सो दैट इज ओनली वी आर फाइंडिंग। सो इन ट्राइंगल ए बी सी दिख रहा है आपको, ये ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है, और ये सी, तो ये एक राइट एंगल ट्राइंगल हो गया। तो यहां पर ड्रॉ कर रहा हूं ए बी एंड सी, बेटा ए बी की डिस्टेंस है टी, ये टी के बराबर है, ओके। बी सी का मुझे पता नहीं, लेकिन मुझे ये एंगल पता है, दिस एंगल इज इक्वल टू आर, दिस एंगल इज इक्वल टू आर। सो मैं एक काम कर सकता हूँ, इन ट्राइंगल ए बी सी क्या मैं ऐसा लिख सकता हूँ, मुझे किसकी वैल्यू चाहिए, मुझे ना इस AC की वैल्यू चाहिए, लेट से मुझे इसका ये चाहिए हाइपोटेनियस। तो मैं एक काम कर सकता हूँ, साइन ऑफ आर ये लिख सकता हूँ, और साइन आर क्या होता है, या फिर कॉस, एक मिनट एक मिनट एक मिनट, साइन आर नहीं, मैं कॉस आर ले लेता हूँ, क्योंकि मेरे पास बेस की वैल्यू है। या बेटा मैं यहाँ ले लेता हूँ कॉस आर, आपको डेरिवेशन से मतलब नहीं, आपको फाइनल फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है, मैं यहाँ डिराइव कर रहा हूँ बस, ठीक है। तो बेटा यहां पर मैं ले रहा हूँ कॉस आर, कॉस आर होता है परपेंडिकुलर डिवाइड बाय हाइपोटेनियस, जस्ट पुट द वैल्यू, तो आपको AC की वैल्यू मिल जाएगी, दैट इज AB अपॉन कॉस आर, ठीक है। और AB की वैल्यू कितनी है बेटा, AB की वैल्यू T के बराबर है। तो आपको यहाँ पर समझ में आ गया कि जो AC की जो वैल्यू आएगी दैट इज इक्वल टू T कॉस आर, ओके। एक डेटा यहाँ पर मिल गया, इसको नंबर वन बोल दिया, ठीक है। नाउ कम टू दिस वाला ट्राइंगल ए सी डी है ना, तो अब मैं आ गया हूं ट्राइंगल ACD पर, ओके। बेटा ध्यान से देखना, ये एंगल देखो, ए पॉइंट पर देखो बेटा, यहां से यहां तक ये आर है ना, यहां से यहां तक क्या है, ये आर है। और ये यदि परपेंडिकुलर से यहां तक मैं बात करूं, देखो ये व्हाइट कलर में जो मैं ड्रॉ कर रहा हूँ, ये पूरा का पूरा कितना है, आई के बराबर है, राइट, एंगल ऑफ इंसिडेंस के बराबर है ना, यस और नो, यस। तो इरेज कर रहा हूं बेटा, अब बेटा ये बचा हुआ एंगल कितना होगा, ये वाला कितना होगा, तो ये टोटल एंगल में से आर माइनस कर लो, तो आई माइनस आर के बराबर होगा, गॉट इट। तो ये एंगल आई माइनस आर के बराबर है, ओके। तो इसका मतलब मैं अब ये ACD ट्राइंगल को उठा लेता हूं, है ना। तो इन ट्राइंगल ACD, ACD ट्राइंगल में क्या होता है बेटा, यहां पर आपको
कुछ इस टाइप का ट्राइंगल दिखाई दे रहा है जिसमें ये ए है, ये सी है, ये डी है, और आपको ना इस सी डी की वैल्यू को भी फाइंड करना है। यही डेल्टा टी है अपना, है ना। देख लो डायग्राम में, ये जो सी डी आपको दिखाई दे रहा है ना बेटा, यही डेल्टा टी है, राइट। तो इसी को अपने को फाइंड करना है। ए सी की वैल्यू हमने अभी अभी फाइंड कर ली, ओके। ए सी हमारे पास है, एंगल हमारे पास है, तो आपको तो डेल्टा टी फाइंड करना है, इजिली आ जाएगा। तो ये है एंगल आई माइनस आर। चलिए बेटा, तो ये एंगल आपके पास है ना, तो आप यहाँ पर क्या लिखोगे, आपके पास आपको फाइंड क्या करना है, आपको परपेंडिकुलर की लेंथ फाइंड करनी है। तो परपेंडिकुलर पर हाइपोटेनियस इज साइन थीटा, तो आप यहाँ पर लिखोगे साइन आई माइनस आर इज इक्वल्स टू सी डी अपॉन ए सी, ठीक है, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनियस। तो आपको यहाँ से सी डी की वैल्यू मिल रही है, दैट इज ए सी साइन आई माइनस आर। बेटा आपको मैं पहले ही बता रहा हूँ, आपको डेरिवेशन से कोई मतलब नहीं है, फाइनल फॉर्मूला इज इंपॉर्टेंट फॉर यू, ओके। तो ये सी डी ही क्या है, डेल्टा टी है, और ए सी अभी अभी फाइंड किया था, टी कॉस आर के बराबर है, तो यहाँ रख लो टी, सॉरी टी अपॉन कॉस आर, गलत लिख लिया, टी अपॉन कॉस आर, नॉट टी कॉस आर, या तो टी अपॉन कॉस आर, और यहां पर ये क्या आ रहा है, साइन आई माइनस आर आंसर, ठीक है। तो बेटा यही है आपका फाइनल आंसर, ये लैटरल शिफ्ट की वैल्यू आ गई कि जो जो इंसिडेंट रे एंड इमर्जेंट रे है उन दोनों के बीच में जो पैरेलल डिस्टेंस होगी वो इतनी होगी, वो दोनों होगी तो पैरेलल लेकिन उनके बीच की डिस्टेंस इतनी होगी। सो दिस इज कॉल्ड लैटरल शिफ्ट, क्या बोलते हैं इसको, लैटरल शिफ्ट। ठीक है सर, था उसमें ऑब्जेक्ट और इमेज के डिस्टेंस को जो बीच में डिस्टेंस है उसको अपन लैटरल शिफ्ट बोलते हैं, डेल्टा एक्स। नहीं नहीं, इसको लैटरल नहीं, इसको तो जस्ट शिफ्ट ऑफ इमेज बोलेंगे। इसको क्या बोलेंगे बेटा, शिफ्टिंग ऑफ इमेज, समझ आ रहे हो, समझ आ रही है, यह है शिफ्ट ऑफ इमेज या शिफ्ट इन इमेज, क्लियर। लैटरल शिफ्ट जो है वो ये वाला है, ठीक है। हाँ बेटा बोलो सर, हाउ डिड यू प्रूव दैट द इमर्जेंट रे इज पैरेलल टू द इंसिडेंट रे? स्नेल्स लॉ, देखो ना यार, खुद ही देखो, यहाँ से आई, ये एंगल आई है, तो यहाँ से रिफ्रेक्ट होगी तो ये एंगल आर हो जाएगा। क्या मैं बोल सकता हूँ, वन साइन आई इज इक्वल टू एन साइन आर, इज इट फाइन? यस यस। अब मैं क्या करता हूँ, ये लाइट रे यहाँ पे आएगी, तो यहाँ पर बेटा ये नॉर्मल से कितना कितना एंगल बनाएगी बोलो, आर ही बनाएगी, है ना। ये बाहर निकली तो ये एंगल ई लिख देता हूँ। चलिए तो मैं यहाँ पर बोल सकता हूँ क्या कि n sin r is equals to 1 sin e, क्योंकि बाहर की तरफ मीडियम क्या है, एयर है, ठीक है। इक्वेशन वन, इक्वेशन टू, इन दोनों को आप क्या कर लो, देखो यहाँ n sin r है, यहाँ n sin r है, इक्वेट कर लो दोनों को, sin i is equals to sin e, है ना, तो i is equals to a आया कि नहीं आया? Yes. एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ इमरजेंस इक्वल होंगे, ठीक है। नहीं सर, तो सर इंसिडेंट रे एंड इमर्जेंट रे पैरेलल कैसे होगा, वो कैसे पता चला? अरे यार ये तो कॉमन सेंस है ना बेटा, देखो ये यहाँ से थीटा एंगल पर आ रहा है, ठीक है। अब बेटा यहाँ से एक लाइट रे निकल रही है और ये यहाँ से थीटा एंगल बना रही है, तो ये दोनों पैरेलल नहीं होंगी क्या आपस में, बोलो। अच्छा, है ना, तो अपने को बस ये वाले डिस्टेंस फाइंड करनी थी, तो यही है लैटरल शिफ्ट। दैट्स ऑल। हाँ जी बेटा, लैटरल शिफ्ट को नोट कर लो जल्दी से, ठीक है सर। वो शिफ्ट इन इमेज डेल्टा एक्स, मतलब उसका एक बार डिराइव करो ना, वो टी माइनस टी में रिलेटिव। बेटा इसको आप छोड़ दो, आप मत करो डिराइव, क्यों टाइम वेस्ट कर रहे हो, जरूरत नहीं। मुझे भी उसमें डाउट हो रहा था, वो जो जो शिफ्ट इन इमेज है ना, उसमें मुझे डेरिवेशन बहुत प्रॉब्लम हो रही है मुझे। बेटा आप उसका डेरिवेशन छोड़ो ना, आपको डेरिवेशन की क्या जरूरत है, आप एडवांस की प्रिपरेशन कर रहे हो क्या? नो सर, नो, लीव इट, जस्ट रिमेंबर दिस रिजल्ट, आपका काम इससे हो जाएगा, ठीक है, आपको कभी भी जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है, मैं पहले ही बता रहा हूँ बेटा। देखो आप इसको प्रैक्टिकली समझो, आप इसको प्रैक्टिकली समझो, देखो मैं प्रैक्टिकली समझाता हूँ आपको। हमारी आई हमेशा स्ट्रेट लाइन में देखती है, डू यू एग्री?
नहीं नहीं सर, मुझे वो सब समझा कि जैसे आपने समझाया कि वो रिफ्रैक्ट होगा एंड देन हम पीछे उसको एक्सटेंड कर देंगे, वो समझा, लेकिन उसका मुझे सिर्फ डेरिवेशन में इशू हो रहा था जो अभी आपने बोला डिटेल में. या बेटा इसके डेरिवेशन की जरूरत नहीं है, वही मैं बोल रहा हूँ. यदि मैं इसका डेरिवेशन करूंगा तो बहुत टाइम वेस्ट होगा, इट्स नॉट नीडेड. ठीक है बेटा, इसमें ज्योमेट्री लगेगी, है ना? आपको यहाँ पर भी वही स्नेल्स लॉ और फिर साथ में ज्योमेट्री वही सब लगाना पड़ेगा, ठीक है ना? समझ आया? यस. क्यों टाइम वेस्ट करें जब हमें डायरेक्ट फॉर्मूला पता है, तो हम इसी को यूज करेंगे और क्वेश्चन आया तो यही चीज यूज होगी. ठीक है, डेरिवेशन यूज नहीं होगा. ठीक है, क्लियर? तो बेटा इस चीज को एक्सेप्ट कर लो डायरेक्टली, दैट्स इनफ. देखो लैटरल शिफ्ट का मैंने इसलिए समझाया क्योंकि इसका जो डेरिवेशन था वो इंसान एक बार समझ सकता है आसानी से, क्योंकि इसमें दो बार ज्योमेट्री लग रही. अभी उसमें क्या होगा, उसमें स्नेल्स लॉ के साथ फिर ज्योमेट्री को लगाना और वो सब करना है, तो इट इज लाइक लिटिल डिफिकल्ट, आपको पढ़ सकता है. ठीक है? यस सर, डिफिकल्ट पढ़ रहा था. हाँ ठीक है. आपने सर वो डेरिवेशन कराया था, खाली वो डी डैश का पार्ट समझा नहीं था मेरे को, वो भी प्रॉब्लम पड़ रहा था. क्लास में डेरिवेशन कराया था इसका. हाँ हाँ, वो शिफ्टेड. तो बेटा डेरिवेशन आपको रिजल्ट याद रखना है उसका, ठीक है ना? आपको उसका रिजल्ट याद रखना है. ठीक है, उससे आपका सारा काम हो जाएगा, आपको कभी भी जरूरत नहीं पड़ेगी डेरिवेशन, इवन एडवांस वालों को भी जरूरत नहीं पड़ती है. ठीक है, या तो इसको नोट कर लिया आप लोगों ने लैटरल शिफ्ट को? सर वन सेकंड वन सेकंड. हाँ हाँ, कर लीजिए इसको जल्दी से नोट सभी लोग. लैटरल शिफ्ट क्या होता है समझ में आ गया? एक लाइट रे जब ग्लास स्लैब से जाती है तो क्या होता है, इंसिडेंट रे एंड इमरजेंट रे, वो दोनों एक दूसरे के पैरेलल होती है. ठीक है, अब ये दोनों पैरेलल होती है तो फिर ये कोलिनियर नहीं है, पैरेलल है, तो इन दोनों के बीच की डिस्टेंस कितनी होगी? तो दोनों के बीच की डिस्टेंस डेल्टा टी होगी, और डेल्टा टी का फॉर्मूला मैंने डिराइव किया. डेरिवेशन से आपको कोई लेना देना नहीं है, रिमेंबर द रिजल्ट. डेल्टा टी इज इक्वल टू टी साइन आई माइनस आर डिवाइड बाई कॉस आर, जहां पर आई है एंगल ऑफ इंसिडेंस, आर है एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, ठीक है, और टी है थिकनेस ऑफ स्लैब. क्लियर? नोट कर लो जल्दी से इसको, इसको जल्दी से आप नोट कर लो. ठीक है, तो कैन यू प्लीज शो लोअर पार्ट? वन मिनट सर. सर ए बी के एल ए की टी है, आपने वो एल बी लिखा इसके लिए ऊपर कहाँ पे बेटा? वो फिगर में, फिगर में, फिगर ऊपर वाला कहाँ? हाँ, पर कहाँ पर? एल नहीं नहीं, ये एल नहीं है बेटा, ये टी है ना, मैं वो डंडा खींचना भूल गया, ये टी है. ठीक है ना, ये थिकनेस ऑफ द स्लैब ये टी है, इट इज नॉट एल, इट इज टी. ओके सर. डायग्राम बनाना कंपलसरी है ना, जरूर बनाना. सर मैंने आपको क्वेश्चन भेजा, आप पढ़ दोगे प्लीज? हाँ जी. ओके, सो एक क्वेश्चन आ गया है मेरे पास. ठीक है बेटे, ओके ये क्वेश्चन करते हैं अपन. ऐसा हमने सिमिलर क्वेश्चन किया है ना? नहीं किया सर, ये यही किया है सर, डाउट हो रहा है. अच्छा यही वाला किया है, यही डाउट है. ओके ओके देखते हैं. या ये वाला नोट हो गया सबका? आई होप ऑल ऑफ यू हैव नोटेड दिस. तो मुझे एक डाउट पूछा है, तो उसमें ये कि फाइंड द अपेरेंट डेप्थ ऑफ द ऑब्जेक्ट. ऑब्जेक्ट बॉटम पर रखा हुआ है, ठीक है, एक पॉइंट ऑब्जेक्ट है जो कि बॉटम पर रखा हुआ है. तो ये एग्जांपल लिख लेते हैं, और यहाँ पर एक इस तरह का कंटेनर है, कंटेनर में थ्री लिक्विड्स भरे हुए हैं इस तरह से, 1, 2 एंड 3, ये थ्री लिक्विड्स भर दिए हैं. ठीक है, और थोड़ा सा ढंग से बना लेते हैं. या सो बच्चों यहाँ पर लिखा है कि ये वाली जो डेप्थ है ये 8 सेंटीमीटर की है, ये वाली 9 सेंटीमीटर की है, और ये ऊपर वाली जो है ये सिर्फ 4 सेंटीमीटर की है, ऐसा बोला है. ओके
अब इसके लिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लिखा है म्यू इज इक्वल्स टू टू, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो लिखा है म्यू इज इक्वल्स टू 3/2 और इसका है म्यू इज इक्वल्स टू 4/3, इस तरह से ठीक है। और बेटा यहाँ बॉटम पर रखा है ऑब्जेक्ट, बेटा इस ऑब्जेक्ट का इमेज कहाँ दिखाई देगा आपको, जस्ट अपेरेंट डेप्थ बतानी है ना। तो आप इसको डायरेक्टली कर सकते हो बेटा, ऑब्जर्वर जो है वो बाहर एयर में है, तो ऑब्जर्वर के रेस्पेक्ट में हम हमेशा म्यू रिलेटिव लेते हैं ना, तो बाहर क्या होता है म्यू वन होता है राइट। हम यहाँ पर लिखते हैं कि डी डैश, आप इसको डायरेक्टली भी कर सकते हो, डी डैश इज D1 प्लस D2 प्लस D3। ओके, D1 डैश होता है D1 अपॉन D1 सॉरी म्यू वन प्लस D2 अपॉन म्यू टू प्लस D3 अपॉन म्यू थ्री। यहां से वैसे आपको डायरेक्टली क्या मिल जाएगी, अपेरेंट डेप्थ मिल जाएगी है ना। यदि आप शिफ्ट से फाइंड करना चाहते हैं तो शिफ्ट से भी कर सकते हैं, पर मैं डायरेक्टली फाइंड कर रहा हूँ ठीक है। D1 कितना है बेटा, ये देखो ये 8 है ना, और इसका म्यू कितना है 4/3, तो 8/4/3 प्लस D2 कितना है, D2 इज 3/2, हम यहाँ पर लिख लेंगे 9 है और उसका म्यू जो है 3/2 है, और लास्ट वाला है कितना 4 cm/2। क्लियर सर? हाँ बेटा बोलो। वो सर जब लिक्विड वन नीचे होगा तो हम उसका लैटरल सॉरी मतलब एक उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वी शुड टेक इट विद रिस्पेक्ट टू लिक्विड टू ना, हाँ वायर भी टेकिंग नहीं इट नहीं विद नहीं नॉट रिस्पेक्ट। लिक्विड टू, विथ रेस्पेक्ट टू ऑब्जर्वर, आर यू गेटिंग, विथ रेस्पेक्ट टू ऑब्जर्वर्स मीडियम। ओके बट वाई लाइक लाइट तो रिफ्रैक्ट होके लिक्विड टू में जाएगा ना, लिक्विड वन से तो बेटे, लाइट रिफ्लेक्ट होकर लिक्विड टू में जाएगा, लेकिन ऑब्जर्वर क्या बोल रहा है, ऑब्जर्वर ये बता रहा है कि मेरे हिसाब से फर्स्ट वाले लिक्विड में इतना शिफ्ट हो, इतना अपेरेंट डेप्थ होना चाहिए, फिर सेकंड लिक्विड में इतना अपेरेंट डेप्थ होना चाहिए, और थर्ड लिक्विड में इतना अपेरेंट डेप्थ होना चाहिए। इसका मतलब क्या है बेटा कि जो वो जो कर रहा है वो सबका सेपरेटली अपेरेंट डेप्थ जो है वो कैलकुलेट कर रहा है, समझ में आया, यानी कि उसने इंडिविजुअल ग्लास स्लैब्स की तरह इनको ट्रीट किया है। ओके, तो ग्लास स्लैब की वजह से, हर एक ग्लास स्लैब की वजह से जो शिफ्ट आ रहा है उन सब शिफ्ट्स को ऐड करके टोटल डेप्थ में से माइनस कर लिया है, तो ये क्या हो गई, इस तरह से अपेरेंट डेप्थ आ गई ठीक है। आप शिफ्ट वाले तरीके से भी कर सकते हो बेटा, आप इसको ऐसे भी कर सर सकते हो। हाँ तो हमने ऐसे किया ना, सपोज हमारे पास ये सपोज ये ऑयल वाटर एंड केरोसिन था, तो हाँ हमने ये वही है। ऑयल सपोज अच्छा ओके हमने सपोज ऑयल वाटर एंड केरोसिन को 3 सेपरेट कप्स में डाला, अंदर सेम ऑब्जेक्ट हमने वहां पे डाल दिया, एंड देन वी चेक दैट इसमें कितना होगा उसमें, एंड देन थर्ड एंड देन वी एडेड ऑल ऑफ देम व्हेन वी पुट देम इन द सेम डेफिनेटली कंटेनर। वही किया है, बिल्कुल वही किया है ठीक है ना। अच्छा ओके ओके सर ठीक है, ये सारा रिलेटिव टू एयर है, इसलिए मैंने यहाँ पर रिलेटिव नहीं लिखे, डायरेक्टली लिखा है ठीक है। ऑब्जर्वर के मीडियम के रिलेटिव लेते हैं इनको ठीक है ना। तो इससे क्या होगा बेटा, इससे आपको ये टोटल डेल्टा एक्स मिल जाएगा, तो अब आप टोटल डेप्थ जो है उसमें से ये डेल्टा एक्स माइनस कर लोगे, तो टोटल डेप्थ क्या होगी, D1 प्लस D2 प्लस D3, उसमें से आप डेल्टा एक्स को माइनस कर लो, तो आपका यही 14 cm आंसर आएगा फाइनली, समझ रहे हो। D1 प्लस D2 प्लस D3 कितना है, 9, 8, 17, 17 and 4, 22, तो बेटे टोटल डेप्थ जो है वो कितनी है, वो 22 के बराबर है, समझ, सॉरी सॉरी गलत बोल दिया, 21 है ना। टोटल डेप्थ यहां से यहां तक कितनी हुई, एक्चुअल डेप्थ जो है वो 21 cm है, लेकिन अपेरेंट डेप्थ सिर्फ 14 cm आ रही है, यस और नो। यहाँ पर हाँ या करेक्ट है ठीक है, समझ आया यस सर। तो या वो फर्क नहीं पड़ेगा ना कि मतलब कोई लिक्विड फर्क वन तो लिक्विड टू में जा रहा है, वैसे कोई फर्क नहीं फर्क नहीं पड़ेगा पड़ेगा। बेटा या ओके तो सर उसको फिर वो म्यू वन लिखे ना, म्यू वन में 4/3 वाले मीडियम में ऑब्जेक्ट का इमेज, हाँ। आई मीन वापस दिखेगा ना इमेज कि ऊपर दिखेगा। नहीं, एक ही इमेज दिखने वाला है, टोटल एक ही इमेज दिखने वाला है, लेकिन वो ओवरऑल ऊपर कहीं दिखे। हाँ अब ये फाइनली किस जगह दिखाई देगा उस आदमी को ये इमेज ना, ये 14 cm पर, यानी कि 9 + 4 13 ही होता है, तो मतलब ये लास्ट वाले मीडियम में ही दिखाई देगा, यहाँ पर दिखाई देगा ठीक है ना, इस सरफेस से 1 cm नीचे दिखाई देगा। ओके सर आप इसका रे डायग्राम ड्रॉ कर सकते हो प्लीज नहीं बेटा, जी। रे डायग्राम ड्रॉ करना थोड़ा सा डिफिकल्ट होगा है ना, आप इस तरह से कॉन्सेप्ट समझिए बेटा ठीक है। यस सर हाँ बट मैं इसको ऐसे बोल सकता हूँ कि इसका इमेज जो दिखेगा ना बेटा, वो इमेज यहाँ पर दिखाई देगा है ना, क्लियर। तो सर अपन शिफ्ट बोलते हो 7 cm होगा ना सर।
हाँ शिफ्ट 7 सेंटीमीटर होगा, ठीक है आ गई बात समझ? यस सर। गुड, तो आप दोनों में से कोई भी मेथड फॉलो करो सेम आंसर आएगा। हाँ जी सर, तो बेसिकली लाइक लाइट शुड जस्ट, वी जस्ट हैव टू सी दैट लाइट इज एंटरिंग द लिक्विड टू, एंड देन हम कैलकुलेट कर सकते हैं वैसे। हाँ हाँ ठीक है बेटा, आप यदि क्वेश्चन सॉल्व करते वक्त एग्जाम में इतनी फीलिंग लगाने लगे ना, मतलब इतना सोचने लगे, तो आप समझ लो कि आप क्वेश्चन में 5 to 10 क्वेश्चंस कर पाओगे और आपका टाइम खत्म हो जाएगा। आर यू गेटिंग? यस सर। मैं क्या बोल रहा हूँ कि यदि आपको सच में आपको यदि एग्जाम में अच्छा स्कोर करना है तो बेटा आपको कैसे भी करके है ना कॉन्सेप्ट को एक बार समझो, और उसके बाद आप क्या करो फॉर्मूलाज को याद रखो, इनको अप्लाई करना सीखो, ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन सॉल्व करो। बेटा आप देखो क्वेश्चंस पढ़ के और क्वेश्चंस सॉल्व करते हो तो ऑटोमेटिकली कंडीशन धीरे 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 आपका माइंड एक्सेप्ट करने लग जाता है, ठीक है ना? या और स्कोर करना है तो क्वेश्चन प्रैक्टिस इज मोर इम्पोर्टेंट। ओके यस यस। तो बेटा जी आगे बढ़ते हैं। हाँ तो ये आपने मेरे को एक क्वेश्चन भेजा है जो मैंने बर्ड और फिश वाला भेजा था, ये वाला। ओके ये आपका डाउट है, चलिए देखते हैं। हाँ जी बेटा जी, यहाँ पर मैं ले लेता हूं एक बर्ड, ठीक है एक बर्ड है, समझ लो कि एक बर्ड है और नीचे एक फिश है, ठीक है या अब ये फिश यहाँ पर है, सॉरी इन दोनों की आप ले लो डेप्थ, मैंने उस दिन कितनी थी याद नहीं है, अभी 12 सेंटीमीटर ले लेता हूँ, ठीक है। और ये नीचे की तरफ 12 सेंटीमीटर से जा रहा है और ये ऊपर की तरफ 12 सेंटीमीटर से जा रहा है, 12 सेंटीमीटर पर सेकंड से जा रहा है, ठीक है। इन दोनों की स्पीड दे रखी है। तो आपसे पूछा है आपको अपेरेंट वेलोसिटी में डाउट है या अपेरेंट डेप्थ में बेटा? ओके यहाँ पर मैंने 4 क्वेश्चंस पूछे हैं, ठीक है। फाइंड डिस्टेंस, नंबर 1 डिस्टेंस ऑफ फिश फ्रॉम द बर्ड, यस कौन बताएगा इसका आंसर? डिस्टेंस ऑफ फिश, आहा ऑब्जर्व्ड बाय द बर्ड लिखना था, फ्रॉम द बर्ड नहीं, ऑब्जर्व्ड बाय द बर्ड। बर्ड ऑब्जर्वर है, बर्ड ऑब्जर्व कर रहा है कि फिश उससे कितनी डिस्टेंस पर है, यानी फिश ऑब्जेक्ट हो गई। तो लाइट रे विल स्टार्ट फ्रॉम फिश, फिश वाला मीडियम जो है वो 4/3, उसका आप ले लो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्योंकि वो वाटर है, वाटर का 4/3 होता है, ठीक है। यस क्विकली, तो इसका आंसर आप लोगों को मैं बता चुका था इसलिए इसमें टाइम वेस्ट नहीं करता हूँ, डायरेक्टली सॉल्व करता हूँ, ठीक है। लाइट रे विल स्टार्ट फ्रॉम फिश एंड इट विल गो टू बर्ड, तो फर्स्ट मीडियम कौन सा है? फिश वाला मीडियम है ना। तो बेटा यहां पर आपको फाइंड करना है क्या, डिस्टेंस ऑफ फिश ऑब्जर्व्ड बाय द बर्ड। ओके कोई दिक्कत नहीं है, तो बर्ड की वाटर सरफेस से डिस्टेंस जो है उतनी की उतनी ऑब्जर्व करेगा 12 सेंटीमीटर, उसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, लेकिन वाटर सरफेस से नीचे ये फिश कितना दूर दिखाई देगी, तो वो हो जाएगी डी अपॉन म्यू रिलेटिव, तो 12/4/3/1, तो ये कितना आ जाएगा 9 है ना, तो ये हो गया 21 सेंटीमीटर। बात समझ में आई, कोई दिक्कत? म्यू रिलेटिव मतलब μ1/μ2, और μ1 कौन सा होगा? जो ऑब्जेक्ट है उसका मीडियम हमेशा फर्स्ट मीडियम होता है, और अभी ऑब्जेक्ट कौन है? फिश है, क्लियर सर। तो रिफ्रैक्ट होगा इसके लिए अपन 21 होगा, 24 तो ना वरना तो बेटा ये यहां वाला तो कांस्टेंट रहेगा, ये तो सेम ही दिखेगा उस बर्ड को, बस वाटर के नीचे से थोड़ी सी ऊपर दिखाई देगी फिश, ठीक है ना? यस। नेक्स्ट, डिस्टेंस ऑफ बर्ड ऑब्जर्व्ड बाय द फिश बाय फिश, तो क्या आ जाएगा? डिस्टेंस ऑफ बर्ड ऑब्जर्व्ड बाय द फिश, तो फिश को वाटर की सरफेस तो 12 सेंटीमीटर दूर है, तो 12 सेंटीमीटर ही दूर दिखाई देगी, लेकिन जो बर्ड है वो अभी ऑब्जेक्ट है, तो बर्ड की जो डिस्टेंस है, एक्चुअल डिस्टेंस है वो 12 डिवाइड बाय बर्ड का मीडियम है 1, और
जिसमें फिश यानी कि ऑब्जर्वर है वो मीडियम है टू, तो वो इतना आ गया 4/3, क्लियर। तो ये क्या होगा, ऊपर जाएगा तो ये आ जाएगा 16+12 है ना 28 सेंटीमीटर। अब थर्ड, वेलोसिटी ऑफ बर्ड या फिश ऑब्जर्व्ड बाय द बर्ड, बर्ड को कितनी वेलोसिटी दिखाई देती है फिश की, तो हम बोलेंगे कि वेलोसिटी ऑफ फिश ऑब्जर्व्ड बाय द बर्ड। तो सबसे पहले बर्ड की खुद की वेलोसिटी, या दोनों एक दूसरे की तरफ बढ़ रहे हैं ना, तो दोनों की वेलोसिटीज को आप ऐड करोगे, लेकिन किसकी वेलोसिटी अपेरेंट होगी, तो बेटा फिश की वेलोसिटी अपेरेंट होगी। तो आप एक काम करो, दोनों का आप ऐड कर लो, क्योंकि दोनों एक दूसरे की तरफ बढ़ रहे हैं, तो एक का तो 12 हो गया और दूसरे का 12/4/3, क्लियर। अरे वही जैसे ऊपर किया था वही करना है, ठीक है, आ गई बात समझ सर? तो 12/4/3 फिश का है ना, और खाली 12 बर्ड का है। यस, ये 12 बर्ड का है, उसकी खुद की वेलोसिटी, और ये क्या कर रहा है, एक्चुअली यहाँ माइनस ऑफ माइनस आना चाहिए था है ना, लेकिन मैंने डायरेक्टली प्लस लिख लिया, ठीक है। रिलेटिव लिखते हैं ना, वी ए माइनस वी बी, तो जब दो पार्टिकल एक दूसरे की तरफ बढ़ रहे होते हैं तो उनकी वेलोसिटीज को हम ऐड कर लेते हैं, तो वो ऐड कर लिया ताकि मैग्नीट्यूड मिल जाए, ठीक है, आई बात समझ? तो सर वो अपेरेंट वेलोसिटी है ना, मतलब फिश की जो एक्चुअली बर्ड को लिखते हैं वो वाली, डेफिनेटली ये अपेरेंट वेलोसिटी, ओके। और इसी तरह से लास्ट हो जाएगा वेलोसिटी ऑफ बर्ड ऑब्जर्व्ड बाय द फिश, तो ये आ जाएगा 12/1/4/3 प्लस 12, तो वही है 28 सेंटीमीटर पर सेकंड, क्लियर, आंसर आ गया, खत्म। ठीक, किसी को कोई प्रॉब्लम? या दैट्स ऑल, हां जी और कोई डाउट सर? वो थिन लेंस में वो नॉर्मल वो सब होता है क्या, मतलब नॉर्मल से इफेक्ट होता है इसके लिए? आपने बोला था कि अपन खाली फाइनल रिजल्ट जानने का है अपन को, जैसे कि कॉन्वेक्स थिन लेंस में कन्वर्ज होता है, तो मतलब खाली अगर मैं से पूछ रहा हूँ कि फर्स्ट सरफेस में अगर वो नॉर्मल से होगा उससे हमें को मालूम पड़ेगा कि फॉर्मूला से मालूम पड़ता है? बेटा देखो, एक तो बात सिंपल है, एक चीज याद रखना, आप तो बस डायरेक्टली याद रख लो कि यदि कोई 2F पर रखा है ना, 2F पर कोई ऑब्जेक्ट रखा है, तो बेटा इसका पीछे भी 2F पर ही बनता है, समझ रहे हो? Yes, I got it. Okay, तो वैसे देखा जाए तो आपको फॉर्मूला से ही पता चलेगा, ठीक है, आपको डायरेक्टली पता नहीं चलेगा। Sorry, आपको क्या क्या याद रखने की चीज है वो बता देता हूँ बेटा। याद आपको क्या रखना है, देखो ऑप्टिकल सेंटर से कोई भी वो विदाउट एनी डेविएशन सीधी सीधी चली जाती है ऑप्टिकल सेंटर से, ठीक है, मेरी बात समझ में आई? ऑप्टिकल सेंटर से पास होने वाली रे विदाउट एनी डेविएशन पास हो जाती है, क्लियर। नेक्स्ट, ये आपको समझ में आया। नेक्स्ट है बेटा, यदि कोई लाइट रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस एंटर करती है लेंस में, तो बेटा रिफ्रैक्शन के बाद वो फोकस पर मिलती है, ठीक है। और यदि कोई लाइट रे इस तरह से आ रही है कि वो फोकस से पास होती हुई इंसिडेंट हो, आर यू गेटिंग, तो बेटा वो लेंस से पास होने के बाद पैरेलल हो जाती है, ओके, लॉ ऑफ रिवर्सिबिलिटी, समझ आया? यदि yes, वो फोकस से पास होती हुई इंसिडेंट होती है, तो आफ्टर रिफ्रैक्शन वो क्या हो जाएगी, इस तरह से वो पैरेलल हो जाएगी, ओके, वो दोनों ही लेंसेज में ऐसा ही होता है, या तो ये बेसिक सी चीजें हैं जो आपको ध्यान में रखनी है, ठीक है, बाकी जो भी चीजें हैं वो आपको फॉर्मूला से ही मिलेगी, ओके। मैंने आपको लेंस कहां तक पढ़ा दिया? सो लेंस फॉर्मूला का हम फिर क्वेश्चंस कर सकते हैं। हाँ, लेंस फॉर्मूला पढ़ा दिया ना, अच्छा, उसका फिर आगे मुझे मैग्निफिकेशन वगैरह ये चीजें पढ़ानी बाकी थी, क्या पढ़ा दी? नहीं, वो बचा हुआ है। बचा हुआ है ना, तो हम वो नेक्स्ट क्लास में करेंगे। हाँ जी, और कोई डाउट है आपका? लेंस फॉर्मूला में आपने लिखा था ना वो म्यू एल अपॉन म्यू एम माइनस वन और वन अपॉन आर वन माइनस वन अपॉन आर टू इक्वल टू वन अपॉन एफ, सो वो कैसे प्रूव किया? बेटा वो उसी से ही है, देखो यार ये फर्स्ट सरफेस है, फिर ये सेकंड सरफेस है, तो पहले मैंने इस वाले के लिए
जो अपन रिफ्रैक्शन थ्रू स्फेरिकल सरफेस करते थे इसके लिए लगा लिया, फिर इसके लिए लगा लिया, ठीक है। तो दोनों फॉर्मूलाज को मैंने आपस में सॉल्व किया, कंबाइन किया, तो फाइनली मुझे क्या मिला, मुझे ये मिला 1/v - 1/u = 1/f, ठीक है। ये तो हो गया अपना पर्टिकुलर लेंस फॉर्मूला, ठीक है, लेंस फॉर्मूला। लेकिन आपको यदि फोकस की वैल्यू नहीं देके और आपको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एंड रेडियस ऑफ कर्वेचर दे रखी है लेंस की, तो आप बोलोगे कि ये लेट से R1 R2 है या फिर ये वाली R1 R2 है, तो आप क्या करोगे, तो आप फोकस की वैल्यू इस तरह से फाइंड करोगे, म्यू रिलेटिव -1 × 1/R1 - 1/R2, सारी चीजें विद साइन कन्वेंशन रखनी है, ठीक है। तो ये बेटा कैसे आया, पहले मैंने फर्स्ट सरफेस के लिए रिफ्रैक्शन थ्रू द सरफेस वाला फॉर्मूला लगाया है ना, कौन सा n2/v - n1/u = n2 - n1/r, फिर सेकंड सरफेस के लिए भी लगाया, फिर दोनों को आपस में सॉल्व किया, आपस में सॉल्व करने पर मुझे कुछ इस तरह का फॉर्मूला मिलता है, क्लियर। बस इतना याद रखो, आपको डेरिवेशन पर नहीं जाना है। हाँ बोलो क्या, ये सेकंड वन अपॉन एफ वाला फॉर्मूला भी वैसे है ना जैसे फर्स्ट वाला है अभी। हाँ, ये फर्स्ट वाले का ही पार्ट है, वो तो उसको छोटा बनाने के लिए मैंने ऐसे लिखा है, यहाँ पर ये 1/f की जगह ये पूरी इतनी बड़ी इक्वेशन आती है सॉल्व करने पर, समझ आया? यस सर, मतलब मैं पूछ रहा हूँ कि वो 1/f की वैल्यू आपको उसके इक्वल कैसे मिले, वो पूछ रहा था बेटा। ये पूरा सॉल्व कर, अरे यार आप जब n2/v - n1/n2 - n1/r दो बार रख के और आप सॉल्व करते हो ना, तो आपको ऐसा फॉर्मूला मिलता है 1/v - 1/u = μ(r₁ - 1/r₂) ऐसा आपको मिलता है, समझ में आया, ये आपको मिलता है। फिर कुछ बुद्धिजीवियों ने बोला कि यार इतना बड़ा फॉर्मूला हम हर जगह थोड़ी लिखेंगे, ये तो, और इसको यदि कभी भी सॉल्व करते तो ये तो फोकल लाइन के इक्वल ही आता है, इसलिए इसकी जगह पर 1/f डाल दिया, समझ आया? ओके सर, तो एक्सपेरिमेंट लिया है ना वो, यस ठीक है, ओके बात समझ जी सर। हाँ जी, तो ये फॉर्मूला का अच्छे से एप्लीकेशन आप लोगों को सीखना है, ठीक है। तो हम करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, अभी नेक्स्ट क्लास में और भी क्वेश्चंस करेंगे। हाँ, अभी कोई डाउट बचा है आपका? डायग्राम मैंने आपको भेजा है, उस पे वायलेट वाले लाइट आप देख सकते हो, ऊपर होगा या नीचे की तरफ होगा? बेटा उससे फर्क नहीं पड़ता, ठीक है, वो वायलेट वायलेट ऊपर, ठीक है, वो चलेगा, ओके। क्योंकि हमने लेंस को इन्वर्ट कर दिया ना, तो वो ऐसा हो सकता है, कोई दिक्कत वाली बात, हाँ हाँ ऐसा हो सकता है, ठीक है, देख लिया मैंने, ठीक है सर। ना डिस्पर्शन विदाउट डिविएशन में आपने लिखा कि मेन डिविएशन शुड बी जीरो, तो हमने फॉर्मूला में ऐसे क्यों नहीं किया dy plus dy2 equals zero? दोनों का ऐड करना पड़ेगा, समझ में आ रहा है, दोनों का डिस्पर्शन फिर आपको ऐड करना पड़ेगा, ठीक है। तो मैंने विदाउट डेविएशन वाली कंडीशन को वहां पर डाला ताकि आप उनमें क्या कर पाओ, आप एंगल ऑफ प्रिज्म फाइंड कर पाओ, ठीक है। नहीं नहीं सर, आपने म्यू वन एंड म्यू टू लिया ना फॉर्मूला में, व्हाई हैवंट यू टेकन म्यू वन लाइक mu of yellow in the first prism and mu of yellow in the second prism? हाँ बेटा, वहाँ पर आपको mu दिया होता है तो वो mean ही दिया होगा, आपको particular color के लिए नहीं दिया होगा, ठीक है ना। और मैंने आपको क्या बोला था बेटा, वो आपको mean के लिए लेना है ना, यदि आपको red और yellow और violet इन सब के लिए दे रखे हैं तो फिर आपको yellow का लेना पड़ेगा वहाँ पर, ठीक है। अच्छा, तो if we write normal d, तो that means d yellow only? यस बेटा, उसका मतलब वो एवरेज ही होता है। देखो, यदि सिर्फ अकेला म्यू दे रखा है, आपको येलो रेड इन सब का अलग से नहीं दे रखा है, तो बेटा वो हमेशा मीन ही होता है, समझ में आ रहा है, मीन मतलब येलो का ही होता है वो, ठीक है। उसको अपने को मीन मान के चलना है, ठीक है। तो इसलिए आपने फिर डायरेक्ट लिख दिया ना d1 + d2 = 0? हाँ यस, ओके। और रिफ्रैक्शन थ्रू प्लेन सरफेस की बात करें बेटा, तो वहां पर जैसे कि ये ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन, बेटा ये ज्योमेट्री से आया, ठीक है ना, ये ऐसा कैसे आया, तो वो ज्योमेट्री से आया, हम लोगों को प्रॉपर डायग्राम बनाना पड़ेगा,
डायग्राम बनाने के बाद फिर वही ट्रिग्नोमेट्री लगा के और फिर फाइनली प्रूव करना पड़ेगा। वो जो फॉर्मूला आता था ना मैग्निफिकेशन m = hi / h not = v / mu2 / u / mu1, ठीक है, तो ये ज्योमेट्री से आएगा। सर दोनों फॉर्मूला लॉन्गिट्यूडनल मैग्नीट्यूड का भी? हाँ बेटा, यस। दूसरे वाले में तो क्या है कि लॉन्गिट्यूडनल की बात कर रहे हैं ना बेटा, तो उसमें हाँ यस यस दोनों ही, ठीक है। उसमें लॉन्गिट्यूडनल में एक स्मॉल ऑब्जेक्ट कंसीडर किया है ना, तो इसलिए तो वो डिफरेंशिएशन वाले तरीके से आता है। तो मैं आपको उसका डेरिवेशन नहीं बता रहा हूँ, डायरेक्टली बता रहा हूँ, ठीक है। जैसे मिरर में हमने नहीं किया था वी स्क्वायर अपॉन यू स्क्वायर आया था मैग्निफिकेशन, बिल्कुल उसी तरह से ही सॉल्व करते हैं इसको भी। तो अपने को इतना करने की जरूरत नहीं है, जस्ट रिमेम्बर द फॉर्मूला, दैट्स इनफ। ओके, कोई नहीं पूछने वाला आपको कहीं डेरिवेशन की स्टेप, कहीं भी काम नहीं आने वाली, तो टाइम क्यों वेस्ट करें उसके पीछे। वो चीज होती क्या है ये हमने समझ ली, फाइंड कैसे करते हैं फॉर्मूला से, वो फॉर्मूला हमने लिख लिया, अब क्या जरूरत है, ठीक है। सर आपको डेविएशन विदाउट डिस्पर्शन वाला कंडीशन समझा सकते हो प्लीज? डेविएशन विदाउट डिस्पर्शन, ओके। चलिए दोस्तों, तो डेविएशन विदाउट डिस्पर्शन करते हैं। सबसे पहली बात तो ये कि क्या हो रहा है, डेविएशन हो रहा है और डिस्पर्शन नहीं हो रहा है, राइट? Yes. मैं दोनों को डिफरेंस की फॉर्म में बता दूं क्या? डिफरेंस, दोनों का डिफरेंस एक साथ आ जाएगा, ठीक है। या आप लोग इस चीज को आप नोटबुक में भी लिख सकते हैं, ठीक है। देखिए यहां पर फर्स्ट, यहां पर मैं लिख रहा हूं डिस्पर्शन। आप इसको क्लास नोट्स में लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है ना, एक बार तो लिखा हुआ है ये, फिर भी लिख लो, इससे आसान रहेगा याद करने में। तो डिस्पर्शन विदाउट डेविएशन, ठीक है, डेविएशन, या डिस्पर्शन विदाउट डेविएशन, और दूसरी तरफ आप लिखोगे डेविएशन विदाउट डिस्पर्शन, ठीक है। दूसरी तरफ आप क्या लिखोगे, डेविएशन विदाउट डिस्पर्शन। अब दोनों ही कंडीशंस को हमें लिखना है, तो आप इसको ऐसे लिख सकते हो कि दो तो प्रिज्म आपको लेने ही है, तो फर्स्ट वाले प्रिज्म के लिए आप a ले रहे हो या a1 ले रहे हो, दूसरे वाले के लिए a2 ले रहे हो, तो a1 या फिर a2 upon a1 is equals to minus of mu minus 1, और ये किसके लिए, 1 के लिए, ठीक है ना, डिवाइड बाय mu2 माइनस वन, क्लियर। इनका डायरेक्ट रेशियो मैंने लिख लिया, ये कंडीशन आप याद रख सकते हो, ओके। ये किसके लिए, डिस्पर्शन विदाउट डेविएशन, मतलब डेविएशन नहीं हो रहा है, तो डेल्टा वन प्लस डेल्टा टू इज इक्वल टू आपको जीरो करना है ना। हाँ, अब देखो यह म्यू वन की जगह आप म्यू वाई भी लिख सकते हो, समझ में आ रहा है ना, मतलब ये मीन है, ये किसके लिए, येल्लो कलर के लिए, ओके। म्यू वन की जगह आप म्यू वाई वन भी लिख सकते हो, एंड म्यू टू की जगह म्यू वाई टू भी लिख सकते हो, ठीक है। एक ही चीज है, येलो कलर के लिए लिया है तो वो लेना है, नहीं तो डायरेक्ट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया है तो आपको डायरेक्ट इसी तरह से यूज करना है, ओके। बात समझ में आई? यस सर। हाँ, अब दूसरे वाले में क्या है, डेविएशन विदाउट डिस्पर्शन। बेटा डिस्पर्शन जीरो होना चाहिए, यानी कि थीटा वन प्लस थीटा टू की वैल्यू जीरो आनी चाहिए। तो जब थीटा वन प्लस थीटा टू की वैल्यू आप जीरो करते हो, तो आप लिखोगे ए टू बाय ए वन इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ, यहाँ पर आप लिख सकते हो म्यू वी माइनस म्यू आर, और ये फर्स्ट के लिए, डिवाइड बाय म्यू वी टू माइनस म्यू आर टू, ये सेकेंड वाले के लिए, ठीक है। तो ये आ गई एक एक कंडीशन दोनों की, दोनों केसेस की, ठीक है। हाँ, अब ऐसे में आपको पूछा जाए कि बेटा डिस्पर्श, यहाँ पर देखो फर्स्ट में क्या हो रहा है, डिस्पर्शन हो रहा है विदाउट डेविएशन, तो डेविएशन ना हो इसकी कंडीशन को इस फॉर्मूला से, ऊपर वाले फॉर्मूला से हम सेटिस्फाई कर सकते हैं, कंडीशन फाइंड कर सकते हैं। अब आपको क्या करना है, डिस्पर्शन फाइंड करना है। डिस्पर्शन क्या होता है, थीटा होता है, तो बेटा दोनों का थीटा क्या हो जाएगा, नेट थीटा, टोटल थीटा वो कितना हो जाएगा, थीटा इंटू वन माइनस ओमेगा टू अपॉन ओमेगा वन। बेटा ये ओमेगा को अपन क्या लिख सकते हैं, इस ओमेगा को अपन बोल सकते हैं, वी कैन से दिस ओमेगा इज व्हाट,
याद है आपको क्या होता है ये? UV minus UR, UL minus 1. ये dispersive power होती है, ठीक है? ये dispersive power की form में हम ऐसे याद रख सकते हैं, okay? तो ये वाला कैसे मिला आपको? Theta equals 1 minus W2. वैसे ही बेटा, जैसे हम लोग total, या इस condition में theta net कैसे find कर सकते थे? Theta 1 plus theta 2. हाँ, theta का formula बोलो, किसी को याद है? थीटा का फॉर्मूला यू वी माइनस यू आर ए म्यू वी माइनस म्यू आर इनटू ए है ना. हेलो यस सर यस. इसी तरह से मैं सेकंड वाले के लिए लिख सकता हूं, तो वो क्या हो जाएगा? ये वन के लिए है ना. और इसी तरह से म्यू वी टू माइनस म्यू आर टू इनटू ए टू. क्लियर? ये दोनों का डिस्पर्शन आप या तो डिस्पर्शन इस तरह से डायरेक्टली ऐड कर लो, या फिर ऊपर वाला फॉर्मूला यूज कर लो. अब ऊपर वाले फॉर्मूला के लिए हम लोग क्या करते थे बेटा? तो ये ओमेगा का फॉर्मूला क्या होता था, याद है आपको? ओमेगा इज इक्वल्स टू म्यू ऑफ वी माइनस म्यू ऑफ आर येलो बाय माइनस 1. हां ठीक है ना. तो ये उसी चीज से, मतलब दोनों में क्या किया, म्यू वाई माइनस 1 से दोनों तरफ डिवाइड किया और मल्टीप्लाई किया. समझ में आया? तो उससे ये बनेगा, ठीक है? तो आप चाहे तो ये भी याद रख सकते हैं और ये भी याद रख सकते हैं बेटा. कितनी जरूरत नहीं पड़ती है, कोई पूछता नहीं है इतना, इसलिए मैंने नहीं लिखवाया, ठीक है ना? समझ आया? आप दोनों ही याद रख सकते हो, ठीक है? पर जरूरत नहीं है, ठीक है? मैंने जो पहले लिखवाया था वो काफी था, ये एक्स्ट्रा है. एक्स्ट्रा है यदि आपको एक्स्ट्रा नॉलेज चाहिए तो, बाकी जरूरत नहीं है, ठीक है? और ये आ जाएगा 1 माइनस ओमेगा डिवाइड बाय ओमेगा 1 डिवाइड बाय ओमेगा 2. ये जस्ट उसका ओपोजिट आता है, लेकिन यहाँ पर डेल्टा आता है. डेल्टा क्या होता है? डेविएशन. तो बेटा कुछ ना कुछ तो डेविएशन होगा ना यहाँ पर. क्लियर? तो देखो दोनों फॉर्मूलाज मिलते जुलते हैं, लेकिन इसमें यहाँ पर क्या आता है? एंगुलर डिस्पर्शन, यानी कि यहाँ पर थीटा आता है और इस तरफ डेविएशन वाला फॉर्मूला आता है, ठीक है ना? क्लियर? ऐड कर रहे हो ना दोनों डेविएशन को? यस बेटा, दोनों डेविएशन को ऐड कर रहा हूँ मैं, और कुछ नहीं, है ना? और करके यहाँ पर लिख सकते हो कि डेल्टा नेट इज इक्वल्स टू डेल्टा 1 प्लस डेल्टा 2, ठीक है? सो वी कंसीडर द फर्स्ट डेविएशन और द सेकंड डेविएशन एट द सेकंड प्रिज्म. हाँ क्या 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 सर? जब लाइट डेविएट मतलब डिस्पर्स हो जाता है तो हम कौन सा डेविएशन लेते हैं फर्स्ट? बेटा दोनों देखो, जैसे कि फर्स्ट केस आया डिस्पर्शन विदाउट डेविएशन, तो नेट डेविएशन दोनों का डेविएशन तो ऐड करके जीरो करना पड़ेगा. फिर आपको सिर्फ डिस्पर्शन चाहिए, तो डिस्पर्शन आप दोनों का ही सेपरेटली डिस्पर्शन लेके ऐड कर रहे हैं यहाँ पर. समझ में आया? नहीं, इस तरह से दूसरा वाला डेविएशन विदाउट डिस्पर्शन है. हाँ यस यस यस. क्या सर? लाइक सेकंड केस में लाइट डिस्पर्स हो जाता है ना फर्स्ट प्रिज्म में, एंड देन इट गोज एंड रिफ्रैक्ट्स इन द सेकंड प्रिज्म टू टाइम्स. बेटर सेकेंड प्रिज्म में एक ही बार होगा ना, सब में एक एक बार ही होता है. मतलब देखो उसको ओवरऑल रिफ्रैक्शन बोलते हैं. समझ में आ रहा है? देखो ये रिफ्रैक्ट हुआ, चलिए यहाँ से बाहर निकल रहा होगा, लेकिन यहाँ पर एक और प्रिज्म रख दिया जो कि उल्टा रखा है हमने, तो उसकी वजह से ये बाहर ऐसे निकल रही होगी, ठीक है ना? यस सर. यस सर. तो दो बार रिफ्रैक्ट हो रहा है ना, वही बोल रहा हूँ. हाँ ऑब्वियसली हर एक प्रिज्म में टू टाइम्स रिफ्रैक्ट होता है, क्योंकि टू सर्फेसेस होती है, ठीक है? ओके तो आप इस तरह से इसको देख सकते हैं, ठीक है? याद रहे तो ठीक, नहीं तो कोई बात नहीं, जरूरी नहीं है ना. सर इसमें इवन प्रिज्म चाहिए ना अपन को, मतलब ऑड प्रिज्म होगा तो कंडीशन सेट नहीं करेगा ना बेटा. मोर देन टू प्रिज्म की यहाँ पर ये जो कुछ भी बताया मैंने, ये टू प्रिज्म की हेल्प से बताया है. मतलब हमेशा टू प्रिज्म तो चाहिए ही, एक अकेला लोगे तो काम नहीं चलेगा, है ना? मतलब अगर तीन लेंगे तो भी चलेगा, चार चलेगा ना फिर. फॉर्मूला याद रख लो ना, फॉर्मूला के डेरिवेशन से कहां से, मैंने डेरिवेशन किया भी नहीं था सर. नहीं आप पहले आपने वो लिखा था ना d of violet minus d of r plus d of violet 2 minus d of r 2 is equal to 0.
तो वो क्यों कर रहे हो, व्हाई आर यू डूइंग लाइक डी ऑफ वायलेट 1 प्लस डी ऑफ वायलेट 2, सारे कलर्स का हम क्यों नहीं ऐड कर रहे, ओनली रेड एंड वायलेट का कर रहे हैं। बेटा एक बात बताओ, डिस्पर्शन मतलब एंगुलर डिस्पर्शन है ना, एंगल ऑफ डिस्पर्शन, राइट? तो आप एंगल ऑफ डिस्पर्शन के सम्स को जीरो करोगे ना, आपको पूरी रेंज लेनी पड़ेगी ना। मैंने क्या बताया था उसके वक्त, मैंने आपको बताया था कि एक प्रिज्म से इस तरह से कलर्स निकलते हैं, तो एक ये रहा और एक ये, तो यहाँ पर होता है वॉयलेट और यहाँ रेड। तो बेटा यहाँ से यहाँ तक जो एंगल बनता है उसी को ही तो हम बोलते हैं एंगल ऑफ डिस्पर्शन, याद है? यस सर। वही तो हमें उसी को जीरो करना है पूरा। यस, उन दोनों फर्स्ट से बनेगा, सेकंड से भी बनेगा, दोनों का सम जीरो करना है, ठीक है? अच्छा, तो उसका सम जीरो हो जाएगा, तो बीच का कोई भी कलर का भी डिविएशन जीरो हो जाएगा। यस, अच्छा, लाइक मतलब मीन जीरो हो जाएगा, या ठीक है? नहीं नहीं सर, वो रूल है ना, लाइक अगर रेंज जीरो हो गई तो बीच का भी जीरो हो जाएगा। यस यस यस, ऑब्वियसली। ठीक है सर, लेकिन हम ऐसे कर सकते हैं क्या, लाइक एडिंग ऑल द कलर्स दैट डिविएशंस एंड मेकिंग देम नहीं बेटा, एडिंग ऑल द कलर्स ऐसा नहीं कर सकते बेटा। अलग अब क्यों निकालोगे, जब आपको सिर्फ रेड और वायलेट ही दिया होता है क्वेश्चन में, तो आप दूसरों का थोड़े ना देखोगे फिर, समझ आया? आपको डेटा ही इतना ही दिया होता है क्वेश्चन में, रेड वायलेट और येलो, ठीक है? वो भी मतलब बहुत, वो लोग भी चाहते कि उनका क्वेश्चन छोटा दिखे, समझ रहे हो? अच्छा ओके सर, तो अगर हम सारे कलर्स का ऐड कर देंगे तो हम उनका डिविएशन जीरो कर रहे हैं, हम डिस्पर्जन जीरो नहीं कर रहे ना फिर। या सर, डेल्टा येलो मीन होता है, वो एक्सपेरिमेंट लिया था ना अपन को। हाँ ओके सर, हाँ जी, ठीक है। नेक्स्ट, और कुछ डाउट? सर एंड सर, जब प्रिज्म उल्टा होता है तो उसपे डी रेड एंड डी वायलेट कैसे दिखता है डायग्रामेटिकली? प्रिज्म को आप उल्टा कर दोगे तो आप मतलब रिफ्रैक्शन तो वैसे ही होता है जैसे होता है। देखो मेरा कहने का मतलब है कि यदि आपने इस तरह से रिफ्रैक्शन करवाया, लेट से ये आई है, यहाँ से निकला और यहाँ पर ये ई हो गया, यदि आप इसको उल्टा कर दोगे, लेट से उल्टा कर दोगे, तो लेट से यहाँ पर यदि इसको कलर्स में स्प्लिट करें, तो लेट से यहाँ पर रेड है और यहाँ पर कौन है, सॉरी वायलेट है और यहाँ पर नीचे नीचे कौन आएगा, सॉरी 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 उल्टा, हाँ यस, हाँ जी, तो सबसे ऊपर कौन रहना चाहिए, रेड, और नीचे नीचे वायलेट है ना। हाँ, तो जब ये लाइट रे यदि आप लेट से इस तरफ से आप यदि इंसर्ट कर रहे हो लाइट रे, है ना, तो क्या होगा, ठीक है? तो सर, हाँ सर, आई एम सेइंग जो प्रिज्म, फर्स्ट प्रिज्म से डिस्पर्स हुई लाइट उसको हम इंसिडेंट करेंगे सेकंड प्रिज्म पे, तो कैसे दिखेगा, लाइक तो फिर डीआर और डी रेड वायलेट कौन सा होगा? मतलब आप एक साथ दो प्रिज्म को चिपका के बोलना चाह रहे हो ऐसा? हाँ हाँ, तो उसमें सेकंड प्रिज्म में डी वायलेट और डी रेड रिप्रेजेंट कैसे करेगी, लाइक क्योंकि हम फाइंड आउट तो करते ही है ना बेटा, हर चीज का ऐसे डायग्राम नहीं बना सकते हम लोग, हमारे लिए काफी डिफिकल्ट होता है, राइट? यस सर। या तो आप बेटा उस चीज को यदि आप गूगल करके देख लोगे तो आपको समझ में आ जाएगा, है ना। अभी आप कॉन्सेप्चुअली इसको लर्न करने की कोशिश करो, समझ रहे हो, कॉन्सेप्चुअली उसको समझने की कोशिश करो। यदि प्रैक्टिकली आपको हर चीज समझनी है तो डेफिनेटली आपको लैब ही जाना पड़ेगा, ओके? इट इज नॉट पॉसिबल टू लाइक, मैं बता रहा हूँ आपको बेटा कि हर चीज का हम लोग डायग्राम नहीं बना सकते, राइट? यस सर, ओके। इतने बड़े आर्टिस्ट नहीं है हम। चलिए नेक्स्ट, हाँ जी, और कोई डाउट? सर हाँ
सो जैसे मैंने आपको फोटो भेजा ना डी रेड डी वायलेट का, वो देखो ना, ये डी रेड एंड डी वायलेट ओनली एग्जिस्ट व्हेन व्हाइट लाइट इज स्प्लिटिंग इनटू थ्री ऑल इनटू द कलर्स. यस बेटा, हम लोग व्हाइट लाइट, हम जनरली एक नॉर्मल जो लाइट होती है उसको व्हाइट लाइट ही बोलते हैं, ठीक है. तो हम लोग व्हाइट लाइट को, व्हाइट लाइट के बारे में ही बात करते हैं कि व्हाइट लाइट जब एंटर करती है तो वो इस तरह से कलर्स में स्प्लिट होती है, ठीक है. हाँ सर, नहीं नहीं, और अगर कलर्स बैक टू व्हाइट लाइट हो रहे तो उसमें डी रेड एंड डी वायलेट एग्जिस्ट नहीं करता. बेटा फिर क्या होगा कि उसमें ऐसा हो जाएगा कि एक पर्टिकुलर वेवलेंथ की हो सकता है कि लाइट रेज की इंटेंसिटीज वगैरह ज्यादा हो, तो हमें कुछ कलर्स जो है वो ठीक से ना भी दिखाई दें. समझ में आ रहा है? अच्छा, ओके. यदि आपको सारे कलर देखने हैं तो व्हाइट लाइट डालनी पड़ेगी. सर तो मैं फिर इसको जैसे आप बोल रहे हो ना वही कॉन्सेप्चुअली जैसे देख लूं अभी, मतलब डायग्राम सोचने की जरूरत नहीं. यस बेटा, आप इसको सिर्फ कॉन्सेप्चुअली देखो, डायग्रामेटिकली इतना मत सोचो, ठीक है ना. ओके सर. यस. Okay, sorry, doubts clear. Yeah, if you are done, you can leave, no problem. Docs, you can leave if you have done. Optical fiber का formula भी हमको बाहर करना है ना. Optical fiber का formula मैंने आपको कुछ भी नहीं dictate करा है बेटा. Hello. अरे optical fiber नहीं है वो. क्या नाम है उसका? एक second है sir. Optical fiber का तो सिर्फ concept था और वो total internal रिफ्लेक्शन पर बेस्ड था, ठीक है ना. तो उसका कोई भी फॉर्मूला नहीं है, वो सिर्फ एक थ्योरी है. सर ऑप्टिकल पावर, पावर. हाँ, ऑप्टिकल पावर. यस. सर डेविएशन जानने का नहीं ना, खाली फॉर्मूला कुछ भी नहीं, सिर्फ सिर्फ आपको फॉर्मूला याद रखना है ऑप्टिकल पावर का, ठीक है. यस बेटा, सच बात बोलू ना, ये पूरा चैप्टर जो है आपका ये पूरा रे ऑप्टिक्स, इसमें आपको ना रे डायग्राम्स की जरूरत नहीं पड़ेगी. मतलब रे डायग्राम्स की जरूरत तभी पड़ेगी जब कोई क्वेश्चन ज्योमेट्रिकली सॉल्व करना है. समझ में आया? बाकी हर चीज को आपको फॉर्मूलाज ही याद रखने हैं. क्लियर? हाँ, आपको लेंस से इमेज कहाँ पर बनता है वो चीजों को आपको एक रफ डायग्राम ड्रॉ करना जरूर आना चाहिए, ठीक है. तो हर चीज का आपको रफ डायग्राम ड्रॉ करना आना चाहिए, लेकिन हर चीज मतलब सिर्फ लेंस और मिरर्स के कॉन्सेप्ट में, है ना. समझ रहे हो? आपको ऐसा नहीं कि एग्जैक्ट डायग्राम हर जगह ड्रॉ करना है. एग्जैक्ट डायग्राम हम ड्रॉ नहीं कर सकते, हम लोगों को पता ही नहीं चलता है कि रे कहाँ जाएगी, कितना एंगल होगा, हम मेजर ही नहीं कर सकते, ठीक है. ओके, तो नेक्स्ट क्लास में जब हम लोग मिलेंगे तो बेटा हम लोग आगे कंटिन्यू करेंगे, मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला देखेंगे और काफी सारे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ठीक है. ओके दोस्तों, तो चले. ओके दोस्तों, बाय.